हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटेक ऑफिशियल। तो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2। और हमारी एक गैंग का बंदा जो कि यार काफी टाइम से खो गया, उसको अभी हम लोग ढूंढते हुए आए हैं रेलवे स्टेशन पे। तो हम लोगों को इसका पता यहीं पे मिला है, तो हमें भी जाके देखेंगे वो बंदा कहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है। अभी मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि इन लोगों ने मेरे फ्रेंड को देखा है क्या, तो इन लोगों ने फिर नहीं देखा है। तो यार काफी टाइम से हम लोग इस रेलवे स्टेशन में उसको ढूंढ रहे, लेकिन हम लोगों को मिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो भी सामने की साइड चल के ढूंढते हैं, क्योंकि यार इधर अगर हो सकता है तो पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन काफी टाइम हो गया हम लोगों को उसको ढूंढते हुए। अभी इधर की साइड भी मेरे को नजर नहीं आ रहा, और एक सेकंड सामने कोई बंदा खड़ा है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा शायद से, वो वही बंदा है। हाँ, ये वही बंदा है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ तो शायद से लड़ाई चल रही है। और ये बंदा कौन है इसको मैं अभी बताता हूँ भाई, हमारे फ्रेंड को इसकी मारने की हिम्मत कैसे हुई। अभी मैं इसको मार दूंगा अगर ज्यादा ये चौड़ा हुआ तो। ओ गाइस, मैंने भाई इसको भी मैंने मार दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे एक बड़ी मुसीबत हो गई यार, एक बंदे ने मेरे को इसको मारते हुए देख लिया। अभी ये किसी को जाके बता देगा तो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं इसको भी पकड़ने वाला हूँ, काफी ये रुकने का नाम ही नहीं देख रहा, पिस्तल से भी नहीं डर रहा है। अभी इसको भी मारेंगे तब समझ में आएगा। रुक जाए यार, रुक जाए, कब से भगा रहे, कितना और भगाएगा। अभी इसके ऊपर पिस्तल तानते, अब ये रुकेगा। तो भी ये डर गया, अभी मैं इससे पूछता हूँ ये भग क्यों रहा था। तो भी मैंने इसको बोला है कि किसी को भी मत बताना, लेकिन हम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये बोल रहा है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। और अभी हमारा फ्रेंड कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। एक सेकेंड, वो भाई वहां पे ब्रिज पे क्या कर रहा है भाई? फायर से पूरी तरीके से पागल हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है उसको देख के। अभी वो मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा, या तो फिर क्या हो जाएगा पता नहीं। वो ब्रिज पे कहाँ जा रहा है अकेले, वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ भाई, यहाँ पे फिर चल पाऊंगा कि नहीं मेरे को पता नहीं। यहाँ से तो मैं फिसल के गिर गया, लेकिन एक और बार ट्राई करते हैं इधर से जाने की। तो इधर से हम लोग जा चुके हैं, और ये पूरा रेलवे ट्रैक आप लोगों को नजर आ रहा है, और सामने आप लोगों को नजर आ गया वो बंदा पागल सा कहाँ जा रहा है, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। पूरी तरीके से वो पागल हो चुका है अभी। तो अभी चलते हैं उसके पास, और काफी बढ़िया यहाँ से व्यू दिख रहा है, आप लोगों को देख सकते हो काफी बढ़िया नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, फैट से यार इसका पैर यहाँ पे फंस गया है मेरे ख्याल से। तो गाइस, इसका रेलवे ट्रैक में पैर फंस गया, और सामने से मेरे ख्याल से ट्रेन आ रही है। तो यार अभी ये निकल नहीं रहा है, अभी इसको कैसे निकाले मेरे को पता नहीं। अभी इसको निकालने की कोशिश करते हैं, और एक सेकंड, सामने से काफी ट्रेन आ रही है, अभी कैसे बचे मेरे को नहीं पता। तो जैसे तैसे मैंने इसको निकाल दिया, और हम दोनों बच गए। अभी काफी तगड़ा क्या हो जाता पता नहीं भाई इसके चक्कर में। अभी जैसे तैसे हम दोनों बच चुके, अभी इसको वापस से वहां पे लेके चलते हैं, और इसको अभी घर लेके जाएंगे। गाइस, ये तो ऐसे पागल हो जाएगा, पता नहीं ये क्या कर लेगा। तो यहाँ पे आर्थर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया इसके लिए। ये तो बोल के यहाँ पे बेहोश हो चुका है। अभी हम लोगों को इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा अपने गैंग में। तो गाइस, काफी बड़ी मुश्किल हो गई हमारे लिए। हम लोग इसको अपने पहले घोड़े पे रखते हैं, और इसको भी लेके चलते हैं हमारे जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वहां पे। तो मैं अपने घोड़े पे बैठता हूँ, इसको लेके चलते हैं। तो यार ये बंदा पता नहीं कहाँ आ गया था इधर की साइड, और पता नहीं पागल वागल सा हो गया कि ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया कुछ पता नहीं। अभी इसको घर ले जाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गैंग के पास, और मेरे ख्याल से ना इस बंदे को काफी ज्यादा डांट पड़ने वाली है। अभी इस पहले इसको उठा के लेके चलते हैं इसके बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं पहले अपने घोड़ा खड़ा करता हूँ, और इसको पहले उठाता हूँ। तो ये कितना भारी है आप लोग देख सकते हो। अभी इसको उठा के लेके चलता हूँ इसके बेडरूम के पास, और पूरे गैंग के मेंबर्स हम लोग को ही देख रहे हैं कि ये किसको लेके आ रहा है। लेकिन ये लोग सब जानते हैं कि ये इसका दोस्त है, मतलब ये हमारे गैंग का मेंबर ही है ऐसा बोल दे तो। तो ये डच यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया इससे, क्योंकि ये 2-3 दिन से गायब था और पता नहीं क्या कर रहा था उधर। तो ये सामने आप लोगों को एक झोपड़ी से देख रहा, तो यही पे यहाँ ये रहता है। तो इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं अभी, मतलब इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे बढ़िया अपना सो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो बस इतने ही, आगे मिलेंगे आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।